बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढें कि हम चीज़ों को भूल क्यों जाते हैं। किसी शख्स का नाम हमारे हाफ़िज़े में इसलिए नहीं बैठता कि हम बेध्यानी से नाम सुनते हैं, हम बेजारी बेचैनी के कैफियत में बात को सुन रहे होते हैं, हमारा ज़हन किसी और बात की तरफ होता है, इसलिए वो नाम या वाक़या हमें पूरी तरह से याद नहीं हो पाता। अगर पूरी तवज्जो से सुना जाए तो याद हो जाता है। कोई सबक, कोई तकरीर, कोई मज़मून हमें इस वक्त बहुत जल्दी याद हो जाता है जब इससे दिलचस्पी हो, जब हम इसे अपनी याददाश्त में हमेशा के लिए रखना चाहते हों, जब हम कोई चीज़ किसी वक्त खौफ की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से याद कर लेते हैं, लेकिन ज़हन में ये होता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं, याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो हाफ़िज़ा ऐसी चीज़ों को उगल देता है, बाहर फेंक देता है। नामों को याद करने के लिए इस नाम को 4-5 मरतबा दोहराएं। अगर हम कोई नाम याद करते हैं तो 3 घंटे बाद हम इसको ज़हन में फिर दोहराते हैं तो ये मज़ीद 3 घंटे के लिए ज़हन में बैठ जाता है। अगर फिर दोहराया जाए तो फिर 3 दिन तक ज़हन में बैठ जाता है। अगर 10 दिन बाद फिर ज़हन में दोहराया जाए तो फिर ये 3 माह के लिए ज़हन में बैठ जाता है। किसी चीज़, किसी वाक़े, किसी हादसे, किसी नाम को बार बार दोहराने से ये ज़हन में बैठ जाता है और कभी नहीं भूलता। बस बार बार दोहराएं जब तक कि ये हाफ़िज़े में बैठ ना जाए। किसी चीज़ को याद रखने के लिए अपने हाफ़िज़े में पहले से मौजूद चीज़ों से मिलती जुलती चीज़ों से जोड़ें। मसलन अगर आप कोई नाम याद करना चाहते हैं तो आपके ज़हन में पहले से मौजूद नाम है, जो आप किसी दोस्त का नाम है, किसी प्यारे का नाम है, इस नाम को उस नाम से जोड़ लें। इस तरह बहुत सी दूसरी चीज़ों भी को भी पहले से ज़हन में मौजूद चीज़ों से जोड़ा जा सकता है। जब आप पहले से मौजूद शय को वापस ज़हन में लाएंगे, मसलन अपने किसी प्यारे दोस्त के का नाम पुकारेंगे, तो वो शय भी इसके साथ ज़हन में आ जाएगी जो आपने इसके साथ जोड़ी है, जो इसके साथ नत्थी की है।